प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं पास्टर संजय मौर आज आपको प्रभु यीशु के जन्म के विषय में 7 भविष्यवाणियां बताने वाला हूं। मैंने बहुत खोजबीन करके उन वचनों को निकाला है, इसलिए आप मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको बता दूँ, यदि आप मसीह हैं, ईमान रखते हैं बाइबल में, तो आपको भविष्यवाणियों पर भी विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु ने भविष्यवाणियां कराई हैं और वो भविष्यवाणियों पर यकीन रखते थे। और लूका की इंजील 24 अध्याय 44 आयत में यीशु ने अपने चेलों से कहा, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। यीशु मसीह भविष्यवाणियों में यकीन रखते थे और उन्होंने ये बताया कि मेरे विषय में कवियों ने, भविष्यवक्ताओं ने जो लिखा था वो पूरा हुआ है। और साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहली भविष्यवाणी जो यीशु के जन्म के विषय में की गई थी वो किसी भविष्यवक्ता या कवि ने नहीं की थी, वो पहली भविष्यवाणी स्वयं परमेश्वर ने की थी। उत्पत्ति में जब आदम हब्बा पाप में गिर गए थे, उस समय 3:15 आयत में परमेश्वर कहते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने शैतान से, उस सांप से, उस समय ये कहा था भविष्यवाणी के रूप में कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और जब वो पैदा होगा वो तेरे सर को कुचल डालेगा। और साथ ही हम सब जानते हैं यीशु मसीह स्त्री से पैदा हुए, मरियम के द्वारा पैदा हुए और वो भविष्यवाणी पूरी हुई प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और दूसरी भविष्यवाणी गिनतियों की किताब 24 अध्याय 17 आयत में बिलाम ने की है और लिखा है, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होकर नहीं, याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। यहाँ भविष्यवक्ता कहता है यीशु के विषय में कि मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं। क्यों वो कह रहा है? क्योंकि वो यीशु के जन्म के विषय में कह रहा है और साफ शब्दों में कह रहा है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। और यह भविष्यवाणी मत्ती की पुस्तक 2:2 में पूरी होती है, जब मजूसी लोग, ज्ञानी लोग उस तारे को देख करके आए यरूशलेम और वो कहने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको झुककर प्रणाम करने के लिए आए हैं। यहाँ गिनतियों में भविष्यवक्ता कहता है याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। और यहाँ लिखा है कि हमने पूर्व में तारा देखा है, भविष्यवाणी पूरी होती है। 3 मजूसी कहते हैं कि हमने पूर्व में तारा देखा है और वो यहूदियों का जो राजा है वो कहाँ उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम उसको झुक कर प्रणाम करने के लिए आए हैं। और यशाया 7:14 आयत में तीसरी भविष्यवाणी करते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक क्वारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यहां भविष्यवक्ता कहता है सुनो, परमेश्वर खुद तुम्हें एक चिन्ह देगा कि क्वारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और यह भविष्यवाणी पूरी होती है मत्ती की पुस्तक 1:21 से लेकर 23 आयत में, जहां यूसुफ को स्वर्गदूत दर्शन दे के कहने लगा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो, देखो एक क्वारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यहाँ वो भविष्यवाणी जो यशाया ने की पूरी हो गई। और यशाया ने ही एक और भविष्यवाणी की, वो 4th भविष्यवाणी है, 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है
और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी पूरी होती है लूका की इंजील 1:30-32 आयत में। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और छठवीं भविष्यवाणी यर्मिया 23:5 में हुई, लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। और यह छठवीं भविष्यवाणी पूरी होती है यूहन्ना की पुस्तक 7:42 में। वहां लोग आपस में बात कर रहे थे और कहा, क्या पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। और साथियों भविष्यवाणी में कहा गया है कि मैं दाऊद के कुल में से धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वो धर्मी अंकुर जो यहाँ लिखा है भविष्यवाणी में वो यीशु है और यीशु दाऊद के कुल में पैदा हुआ, बैतलहम में उसका जन्म हुआ और यीशु की यह भविष्यवाणी जन्म के विषय में पूरी होती है। और सातवीं भविष्यवाणी में आपको बताने से पहले ये आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आपको नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मीका की पुस्तक 5:2 में लिखा है, हे बैतलहम एप्रेता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। साथ ही यहाँ भविष्यवक्ता कहता है कि बैतलहम एप्रेता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के नगरों में गिना नहीं जाता तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना कब से हो रहा है, प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आ रहा है यीशु का निकलना। मतलब प्राचीन काल से ही उसके विषय में उत्पत्ति से ही भविष्यवाणी होती आ रही है, ये मीका के पुस्तक में लिखा गया है। उसके विषय में प्राचीन काल से कहता आ रहा है परमेश्वर का, वो आ रहा है, वो आने वाला है और वो भविष्यवाणी यहाँ पूरी होती है। मत्ती की पुस्तक 2:4-6 में लिखा है, और उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है, हे बैतलहम यहूदा के प्रदेश, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा होगा। साथियों यहाँ हेरोदेस राजा, जब मजूसियों से उसे मालूम पड़ा कि यीशु का जन्म हुआ है, राजा है वो, उसने शास्त्रियों फरीसियों बुद्धिमानों को बुलवा करके पवित्र शास्त्रों को खंगलवाया और ये मालूम कराया कि उसका जन्म कहाँ हुआ है और उन्होंने बताया कि शास्त्र कहते हैं, भविष्यवाणी कहते हैं कि यीशु का जन्म यहूदियों के बैतलहम में हुआ है और यहाँ पर मीका भी कहता है कि वो बैतलहम से निकलेगा, इसराइलियों में वो प्रभुता करेगा और उसका निकलना प्राचीन काल से होता आया है। और साथियों मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु का जन्म हो चुका है, भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी है, यीशु अलौकिक ढंग से पैदा हो चुके हैं, बस आपको उस पर ईमान लाना है, आपको उस पर विश्वास करना है, आपका दिन, आपका जीवन, आपका परिवार हैप्पी होगा, हैप्पी रहेगा और आपके ऊपर आशीर्वाद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए बाइबल पढ़ें, उस पर ईमान लाएं। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।